आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड में फिल्मों के 100 करोड़ क्लब के बाद अब एक्टर्स की फीस के 100 करोड़ क्लब की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, प्रभास, सलमान खान सहित कई सितारे अब फीस के तौर पर 100 करोड़ रुपए ले रहे हैं। वैसे माना जा रहा है कि अक्षय कुमार ने तो अपनी फीस बढ़ाकर लगभग 120 करोड़ रुपए कर चुके हैं। वहीं अजय देवगन ने अपने डिजिटल डेब्यू के लिए 125 करोड़ की डील पक्की की है। जी हाँ, इस डील के बाद अब वो हॉटस्टार पर रुद्र नाम की वेब सीरीज में दिखाई देंगे। इस फीस के साथ ही अजय देवगन फिलहाल इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर बन चुके हैं। वहीं खबर है कि शाहरुख खान ने भी आदित्य चोपड़ा से पठान के लिए 100 करोड़ की मांग की है और उनकी ये मांग पूरी की गई है। मतलब है कि 2020 के इस साल की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम 6वें नंबर पर आ रहा है। वहीं हमारे बॉलीवुड एक्टर्स इस साल भी कमाई के नाम पर पीछे नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि जहां राम सेतु के लिए अक्षय कुमार 128 करोड़ रुपए लेने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि इनकी कमाई काफ़ी अच्छी होने वाली है। वहीं सलमान खान अपनी फिल्म के लिए 105 करोड़ रुपए लेते हैं। बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान अपने एक फिल्म के लिए कम से कम 88 करोड़ रुपए लेते हैं। वहीं आपको बता दें आमिर खान की बात, तो आमिर खान एक फिल्म के लिए 75 करोड़ रुपए लेते हैं। बात आती है ऋतिक रोशन की, तो ऋतिक रोशन अपनी एक फिल्म के लिए कुल मिलाकर 65 करोड़ रुपए लेते हैं। वहीं हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र के एक्टर रणबीर कपूर की, तो रणबीर कपूर एक फिल्म के लिए 58 करोड़ रुपए लेते हैं। और अब बारी आती है अजय देवगन की, तो आपको बता दें कि अजय देवगन एक फिल्म के लिए कुल मिलाकर 52 करोड़ रुपए लेते हैं। वहीं वो कई सारी फिल्मों में नजर आने वाले हैं इस साल। जी हाँ, तान्हा जी, भुज, मैदान, RRR, इनकी कई फिल्में लाइन में लगी हुई हैं। Thank you so much. Keep watching for more entertainment news and update.